तो यार मेरे को बहुत सारे इस तरीके का कमेंट्स आ रहा था कि भैया सामने प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस है एंड हमारे स्कूल हमको ये रिकमेंड कर रहा है कि हम स्कूल में आके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस दे, ठीक है। एंड इसके साथ साथ कुछ स्कूल ये भी बोल रहा है कि अगर तुम अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस नहीं दोगे, ठीक है, ऑन दैट केस योर एडमिट कट विल बी डिसअलाउड, ठीक है। तो भैया क्या करना चाहिए राइट नाउ एंड ऊपर से अभी से बोर्ड्स के अंदर क्या क्या स्ट्रेटजीज होना चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्री बोर्ड्स को जो कि यार है, चाहे प्री बोर्ड या फिर रिहर्सल, जो भी यार एग्जाम्स बोलो, जो यार एग्जाम्स के पहले मींस बोर्ड एग्जामिनेशंस के पहले होते हैं, इसको डील कैसे करना है ये लेके इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये बोलूंगा, डोंट वरी अबाउट योर प्री बोर्ड्स, ठीक है, ये तो बोलने का बात है। बट कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट है कि भैया लास्ट ईयर आईसीएसई 2020 जो मेथडोलॉजी होगा उसके ऊपर तो प्री बोर्ड का मार्क्स का कुछ इवेल्युएशन हुआ था, तो प्री बोर्ड्स के लिए हम उतने अच्छे तरीके से तैयार नहीं है, पूरे साल में एक दिन भी स्कूल के अंदर गए नहीं, अगर 10 या फिर 12 के स्टूडेंट हैं तो एक दिन हम क्लास के अंदर एंट्री भी नहीं किए, ठीक है यार, एक दिन क्लास के अंदर हम एंट्री तक नहीं किए, तो कैसे हम फिजिकल स्कूल में जाके एग्जाम दे। एंड ऑल्दो वी नो कि सिलेबस वगैरह रिड्यूस हुआ है, बट राइट नाउ इस प्री बोर्ड्स को राइट नाउ डील कैसे करना है ये लेके इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश एंड यू आर वाचिंग आकाश टॉक्स। आशा करता हूं कि वीडियो में एंड तक तुमको कुछ हद तक एक ऐसा चीज टिप्स मिल जाएगा, ठीक है यार, वो तुमको हेल्प करेगा कि क्या तुमको आगे करना चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंकली स्पीकिंग यार, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन बिफोर आवर बोर्ड, ठीक है। बट भैया क्या प्री बोर्ड सब कुछ है? नहीं यार, प्री बोर्ड कुछ नहीं है, ठीक है। भैया आप अभी बोले कि प्री बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है, यार प्री बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है तुमको जज करने के लिए कि तुम अभी तक कितना प्रिपेयर हो, ठीक है। अगर तुमको प्री बोर्ड में 40% आए या फिर 50% आए, कोई व्यक्ति तुमको जिंदगी में पूछने वाला नहीं है कि भाई तेरे को प्री बोर्ड में कितना आया था, ठीक है, मेरे बात समझ पा रहे हो। मेरे को यार प्री बोर्ड में बहुत गंदा नंबर आया था, 65% आई गॉट इन माय प्री बोर्ड, मींस ऑन माय प्री बोर्ड, ओके, एंड राइट नाउ आई गॉट ऑन माय आईसीएसई 90%। सो फर्क समझ पा रहे हो यार, प्री बोर्ड से बोर्ड का फर्क बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, 2021 के जितने भी यार बैच हो, मींस जितने भी स्टूडेंट हो, वो दोस हु आर गोइंग टू गिव योर एग्जामिनेशंस ऑन 2021, फॉर देम एक न्यूमेरिकल एडवांटेज है। भैया क्या एडवांटेज है? देखो एग्जाम्स होगा अकॉर्डिंग टू आवर एजुकेशनल मिनिस्टर फ्रॉम द 4th ऑफ मई, सो यू आर गेटिंग मोर देन 3.5 months। अगर एग्जामिनेशंस अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं कि कुछ लोगों का प्री बोर्ड चल रहा है, कुछ लोगों का प्री बोर्ड होने वाले हैं इन दिस मंथ, ठीक है, मींस जनवरी के अंदर, आई होप सो। तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि तुम्हारा प्री बोर्ड कब है, ठीक है, तो होने वाले हैं। सो क्या करना है यार इसके बीच क्या करना है यार, इसके बीच पहले अपने प्री बोर्ड्स को निपटा लो किसी भी तरीके से। भैया क्या क्या करना है हम बोलेंगे, ठीक है, पहले अपने प्री बोर्ड्स को निपटा लो। निपटाने के बाद जो 3 महीने है वो 3 महीने हम जान लगा देंगे हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। बाकी के बैच के लिए ये सब एडवांटेज नहीं था, उनको यार सिर्फ एक से भी कम महीना मिलता था टू प्रिपेयर फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशन। बट ट्रस्ट मी यार, 2021 बोर्ड्स यू ऑल हैव 3 months, यू लिटरली हैव 3 months, and 30% syllabus had been also reduced for you all due to this COVID, ठीक है। हाँ मेरे को पता है कि स्कूल नहीं जा पाए, बट क्या तुम मतलब क्या मैथ में कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा हो कुछ क्वालिटी कंटेंट, क्या तुमको सुधीर सर कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे यार, बहुत कुछ कर रहे हैं ना, तो उसको फॉलो करो यार, उसको फॉलो करो, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट को मतलब फॉलो करो, बहुत हेल्प तुमको मिलने वाले हैं, नंबर वन। नंबर टू, कुछ टॉपिक्स अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो यार यूट्यूब में जाकर सर्च करो, बहुत सारे कोई ना कोई व्यक्ति तो उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना के रखे ही है, चेक कर लो यार, तुमको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर ईच एंड एवरी आईसीएसई और आईएससी स्टूडेंट्स, इज दैट 3 months को यूटिलाइज करना है। प्री बोर्ड में क्या मार्क्स आने वाले हैं दैट विल नॉट गोइंग टू मैटर एनीवेज, ठीक है, बट प्री बोर्ड्स को निपटाने के लिए लास्ट 10 years अच्छे से करके जाओ एंड रिड्यूस सिलेबस के ऊपर या फिर अंडर जो जो टीचर स्कूल के टीचर इंपॉर्टेंट बोले हैं उसको सिर्फ करके जाओ, ठीक है, और कुछ करने का जरूरत तक नहीं है। मेरे बात समझ पा रहे हो? क्योंकि हर एक स्कूल के टीचर कुछ इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस बोलते हैं, ठीक है, मीन्स ये आ सकते हैं ये, या फिर ऑनलाइन क्लासेस को अगर तुम फॉलो कर रहे हो, मेरे को पता है कि यार 8 घंटा लगातार ऑनलाइन क्लासेस फॉलो करना इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी स्टूडेंट्स,
मेरे लिए भी नहीं ना तो तुम्हारे लिए, बट थोड़ा सा जो भी इंपॉर्टेंट बोला है वो थोड़ा देख के जाओ, थोड़ा करके जाओ उधर से, एंड लास्ट 10 ईयर्स करके जाओ, तुमको एटलीस्ट तुम अभी के लिए प्री बोर्ड्स निपटा दोगे। हो गया। अच्छा फोर्थ पॉइंट भैया, कुछ सैंपल पेपर्स करना है क्या? देखो यार जिन लोगों का प्री बोर्ड 27 जैन या फिर 20 जैन ऐसे कुछ टाइम से है, फॉर देम मैं कुछ नहीं रिकमेंड करने वाला राइट नाउ, क्योंकि यार मैं सिर्फ बोलूंगा लास्ट 10 ईयर्स करके जाओ, ये प्री बोर्ड्स को निपटा लो जनवरी के अंदर, उसके बाद मैं तुमको कुछ सैंपल पेपर्स दूंगा, मैं तुमको कुछ टेस्ट पेपर दूंगा, मैं तुमको कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा जो तुमको खरीदना नहीं है, खरीदना ही खरीदना है। ठीक है, तो फॉर देम राइट नाउ पता है तुम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर में हो, एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ प्री बोर्ड्स लेना नहीं चाहिए था, या फिर प्री बोर्ड्स में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसका एग्जाम्स लेके तुम लोगों को फ्री कर देना चाहिए था, एंड कुछ प्रैक्टिकल्स या फिर कुछ ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट करना चाहिए था बाय अवर स्कूल्स या फिर बाय अवर स्कूल्स टीचर्स, क्योंकि स्कूल्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है इधर तुमको उतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवाना। ठीक है, बट जो भी है कुछ कर नहीं सकता है, सिचुएशन ऐसे है, सिचुएशन के साथ वी हैव टू डील। ठीक है, सो आशा करता हूं यार वीडियो काफी इंपॉर्टेंट लगा तुमको, जो पॉइंट्स मैंने बोला उसको यार ध्यान में रखते हुए करो। ठीक है, आई होप तुमको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ वेरी गुड टाइम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।